हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक इंग्लिश। और आज की ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम्स ही नहीं, कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम अगर होता है तो हम कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें जिनकी वजह से हमारे अच्छे मार्क्स मिले, हम अच्छा स्कोर करें और हमारी परसेंटेज इंग्लिश के बेस पे अच्छी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट के फॉर्मेट की। डेट का फॉर्मेट अगर आप कैसा भी लिखेंगे, मार्क्स तो नहीं कटने वाले, बट दैट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर, ऑन द कॉपी चेकर। तो अगर आज की डेट 24th of February है तो आपको 24/02/2020 लिखने की बजाय आपको क्या करना चाहिए कि जो कि आई गेस 40% स्टूडेंट्स करते भी हैं और दैट इज गुड, जो नहीं करते हैं उनके लिए ये पॉइंट है कि 24th और उसके बाद फेब या फेब्रुअरी पूरा लिखिए और 2020। लिमिट ना देखें कि कितनी बड़ी लिमिट होती जा रही है, जहां पे भी लेटर में, नोटिसेस में, अगर कहीं पे भी आती है डेट लिखने के बाद तो आप डेट को ऐसे लिखिए। नेक्स्ट चीज आती है कि जहां पे भी लाइन लीव करने वाला फॉर्मेट है, जैसे कि लेटर है, लेटर में सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करनी होती है, डेट के बाद एक लाइन लीव करनी होती है, तो वहां पे आप लाइन जरूर ही छोड़ें, क्योंकि वो बहुत हॉच पॉच हो जाता है और अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट चीज, कोई भी आंसर अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसे हाईलाइट करिए, उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपने एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं, उनको आप हाईलाइट करिए। हाईलाइट कैसे करेंगे कि ब्लू पेन के और शेड्स होते हैं, जैसे कि जेल पेन का अलग शेड होता है, बॉल पेन का अलग शेड होता है, तो उन अलग अलग शेड्स को यूज करके आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। आंसर अगर आपको नहीं आता है तो बाय चांस वाली बात है कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो वो जो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उस चैप्टर की समरी लिख दे लीजिए, बजाय कि उस क्वेश्चन को छोड़ने के। ओके, नेक्स्ट चीज इज कि अपना एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फालतू में डिले होगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप अपनी सारी चीजें रख के ले जाएं। स्केल ले जाना ना भूलें, पेंसिल ले जाना ना भूलें, पेंसिल भी कहीं कहीं आपको हाईलाइट करने में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा स्केल्स जो है वो आपको नोटिसेस में लाइंस खींचने के काम आएगा, और वो अगर आप स्केल से ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक अननेसेसरी और बहुत ही बेकार सा हाथ से ड्रॉ करी हुई लाइन पता लग जाती है और वो बहुत ही बुरी लगती है, बहुत ही गलत इम्प्रेशन जाता है, तो आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट चीज़ इज कि हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद दो लाइन छोड़ें, क्योंकि आप रेगुलर लिखते जाते हैं, कई बार चेकर को पता ही नहीं चलता कि आपका कौन सा आंसर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, तो ऐसे केसेस में आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और उसके बाद रीचेकिंग का बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। तो उससे बेटर ये होगा कि आप अपना ही सारे सेफ्टी लेके चलें, क्वेश्चन नंबर अच्छे से हाईलाइट करके, अच्छे से डार्क बोल्ड करके लिखें। नेक्स्ट चीज है कि आप अपनी स्पीड लिमिट को मेंटेन करके चलें। अपना राइटिंग सेक्शन करें जिसमें आप अपने एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से क्लियरली बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज, लिटरेचर पोर्शन करें और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन के लिए छोड़ दें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपको देख के आंसर्स करने हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। तो स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलें, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें और अच्छे से एग्जाम करें। हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, हैंडराइटिंग अच्छी होती है तो चेकर को एक पहले ही अच्छा इंप्रेशन मिल जाता है ना। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तो ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं अपनी क्वेरीज, और डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग गाइस, कीप लाइकिंग। थैंक यू।